मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही के लिए आपका आभार। और तो और, आपके सहयोग से प्रेरित होकर हम पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ाएंगे। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आज देश के लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड। कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। बिल्कुल अवॉर्ड कर, गरीब आदमी कोई बाइक नहीं चलेगा, गरीब आदमी साइकिल पे चल सकता है। तो सरकार के हित में और कितना महंगा होना चाहिए पेट्रोल? कुछ भी महंगा हो जाए, जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना? 500 रुपए तो भी लगवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में मोदी जी रहेंगे। सरकार को इतना प्यार दे दिया जनता ने, उसका ओवर फायदा उठा रही है, और जनता का जो फायदा उठा चुकी है, अब जनता इसके बहकावे में आने वाली है। 2000 भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में 2014 से पहले का समय याद आ ही जाता है, जब नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार को बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आलोचना करते थे कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना, भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। यही तो कारण है भरोसा टूट गया है। ये वीडियो इसलिए देखा है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश में पेट्रोल के दाम 110 के पार पहुंच चुके हैं और कुछ राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के आसपास हैं। पेट्रोल के दामों को लेकर अधिक जानकारी एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में दी है। मंत्रियों को भी ट्वीट कर भारत की मिडिल क्लास जनता को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि सरकार से कुछ न मांगने के लिए आपका आभार। और तो और, आपके सहयोग से प्रेरित होकर हम पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, केरल, इन सब जगहों में पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो चुका है। जिन राज्यों में पेट्रोल अभी भी 100 रुपये से सस्ता है, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्हें 100 रुपया लीटर खरीदने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसी से मेरा नजरिया बदला है। पहले लगा कि जनता के साथ ज्यादती हो रही है, अब समझ में आया कि जनता ही ज्यादा देना चाहती है। 2014-15 में जब जनता बहुत गरीब थी तब कम टैक्स दिया करती थी, कोई 72,000 करोड़ के आसपास। जैसे ही बिजनेस बंद हुआ और नौकरी जाने से जनता और अमीर हो गई, वह 4 लाख करोड़ के करीब टैक्स देने लगी है। भारत अपने टीकाकरण की तुलना बाकी देशों से करता है, तो पेट्रोल डीजल के दामों को क्यों नहीं दूसरों देशों से तुलना करता? अगर मेनस्ट्रीम मीडिया ये नहीं कर रहा तो हम जरूर करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम की तुलना पड़ोसी देशों से करते हैं। 28 जून के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल 52 रुपए लीटर है, भूटान में 68 रुपए लीटर के आसपास है, नेपाल में 79 रुपए लीटर और बांग्लादेश में 78 रुपए लीटर के आसपास है। इन देशों में तो पेट्रोल के दाम 100 से काफी कम है। कुछ दिनों पहले पेट्रोलियम मंत्री ने बयान दिया था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे क्या कारण है, आइए उनकी भी सुन लीजिए। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1,00,000 करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में 1,000,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की MSP घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं सरकार का खर्च बढ़ गया है। बीजेपी के नेता के बयान भी सुन लीजिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर MP के मंत्री प्रद्युम्न सिंह का बयान,
वे लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। खैर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता को परेशानी हो रही है और कुछ लोग इसका भी स्वागत करते दिखे। कुछ चैनल के पत्रकार ने पेट्रोल पंप पर जाकर आम जनता से बात की। आप कुछ बातें सुनिए कि वह क्या कह रहे हैं। सरकार की मदद तो करनी पड़ेगी, जो सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से देखा जाए पेट्रोल कोई महंगा नहीं है। आज तक 70 साल में कोई लड़ाकू विमान कोई कुछ खरीदा गवर्नमेंट ने? कहा कि पिछली सरकार ने, ये सरकार खरीद रही है। जब सरकार खरीद रही है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल अफोर्ड कर, गरीब आदमी कोई बाइक में चलेगा? गरीब आदमी साइकिल पर चल सकता है। तो सरकार के हित में और कितना महंगा होना चाहिए पेट्रोल? कुछ भी महंगा हो जाए जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना? 500 रुपये तो भी लगवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में मोदी जी लेंगे वोट। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ आम जनता ही बची हुई है, क्योंकि आम जनता ही आपको सरकार को सपोर्ट कर सकती है। बाकी सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं, बस टैक्स बढ़ाने के अलावा कुछ भी काम नहीं है। कंटिन्यूसली टैक्स से टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। ये इन्फ्लेशन रूपी महंगाई जो है इतना दर्द देगी कि सरकार को मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये आम जनता के लिए झटका नहीं है, ये सरकार के लिए झटका है। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार आई थी उस सरकार ने वो कार्य नहीं किए, जुमले पे जुमले देती रही है, सबसे बेकार और घटिया सरकार। तो सरकार को डर क्यों नहीं लगता पब्लिक के गुस्से का? सरकार को इतना प्यार दे दिया जनता ने, उसका ओवर फायदा उठा रही है और जनता का जो फायदा उठा चुकी है अब जनता इसके बहकावे में आने वाली। मंत्री कहते हैं कि साइकिल चलाओ या दूसरी चीजों पे ध्यान दो। मंत्री चलाए ना, हमारे पास साइकिल चलाएंगे? हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, कहीं रास्ते में निपट गए तो क्या करेंगे? मंत्री लोग थोड़ी आएंगे बोलने, भाई हमारा तो गाड़ी से ही काम चलता है। हमारा गोदी मीडिया सरकार की हर उपलब्धि को एक इवेंट की तरह पेश करता है। जैसे 21 जून को 80 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड किया गया, मीडिया ने इसे बड़ा चढ़ा कर बताया। राष्ट्रीय योग दिवस पर देश में टीकाकरण का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सोमवार को 80 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। आज भारत ने कोरोना की वैक्सीन के मामले में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज देश के लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड। 21 जून को वैक्सीन की 84 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था, जो 5 अप्रैल को बना था। 80 लाख वैक्सीनेशन ऑन अ सिंगल डे। एक दिन में 80 लाख से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन बहुत बड़ी उपलब्धि है। करीब 83 लाख के करीब वैक्सीन की डोज लगाई गई है। अब जब देश में पेट्रोल 110 तक जा पहुंचा, तो मीडिया को इसे भी एक इवेंट की तरह पेश करना चाहिए। अब LPG सिलेंडर के दामों में भी 25 रुपए की वृद्धि हुई है। अब दिल्ली में LPG सिलेंडर का दाम 834 रुपए हो गया है। The big story coming in right now, cooking gas is now costlier by 25 rupees 50 paise per cylinder. Now LPG prices have increased across cities. Now Delhi and Mumbai will see new prices. Those numbers there on your screen now. अब सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वे देश की जनता को दाम कम कर कुछ राहत देंगे। आप इस पर जो भी विचार रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। Bureau Report, Punjab Today TV. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.